वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना मैथ का फोर्थ चैप्टर देख रहे थे, जिसमें अभी तक उन्होंने 7 वीडियो में सब अपने आयतघन को समझा, आयतघन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ओवरऑल हमने इस पर बात किया था। और जनरल आपका डीपीवी की बात करें तो हम लोग का डीपीवी कितना आ सकता है बाबू, इसमें सबसे पहला डीपीवी हम लोग का जो आया था वो हम लोग आया था जनरल जो आयतघन की आकृति को समझना, यानी आयतघन एक्चुअल है क्या, वो सब उन्होंने समझा। फिर हमने देखा कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है, फिर पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या है, फिर आयतन और विकर्ण। ओवरऑल हम लोग का 5 को डीपीपी आ चुका है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्या कौन सा आ सकता है बाबू, हम लोग का क्या आया है 01, 02, 03, 04 एंड 05। आज वाला जो वीडियो हम लोग का होने वाला है ये हम आप लोगों से इसी पे बात करेंगे कि आपसे कौन कौन सा सवाल बना है, कौन कौन सा सवाल नहीं बना है, जो जो बना है वो अच्छा बात है, जो जो नहीं बना है उस पर हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे अपना कि क्या क्या आप लोगों से प्रॉब्लम ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाउट पूछा था उसको भी हम ध्यान रखते हुए चीज़ों को लिए हैं। ठीक है, और ऐसा भी हमने सवाल ले लिया कि जो आपसे हमें लगे कि आपको डाउट हो सकता था, आपको ऐसा ना बन सके, वो सब सवाल भी हमने ले लिया। तो चलिए हम लोग अपना एक नंबर डीपीपी से स्टार्ट करते बाबू। ठीक है, देखिए एक नंबर डीपीपी हमें नहीं लग रहा आपको प्रॉब्लम होना चाहिए था, क्योंकि आप जब अभी वीडियो देखे होंगे आयतघन वाला, उसमें जनरली हमने बताया था कि जैसे आयतघन में भुजाएं कितनी होती है बाबू, 3 होती है। आयतघन में तलों की संख्या 6 आयताकार तल से मिलकर बना हुआ था, ये परिभाषा ही है। ठीक है, आयतघन में कितने किनारे होते हैं, ये 8 किनारे वालों बात कर लिए थे, शीर्ष बिंदु पर भी बात कर लिया था। अब आयतघन किससे मिलकर बना है तो ये आपको भी पता है। फिर उसके बाद संगत जो तल होता है उसमें कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, ये हमने बात कर लिया था। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपना डीपीपी 1 तो हमारा डिस्कस हो गया बाबू। ठीक, अब डीपीपी 2 पे हम लोग बात करते हैं, यानी हम लोगों ने इसमें क्या दिखा था बाबू, समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना। अब एक नंबर सवाल देखिए, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, और समग्र तल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आयतघन का समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए तो मेरे पास, मेरे साथ बोलिए, मेरे पास मत बोलिए, आयतघन के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू हमारा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, सॉरी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई बोल लीजिए, प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ये हम लोग का होता है वर्ग इकाई। ठीक, ये हम लोग का हो गया आयतघन का समग्र तल का क्षेत्रफल। अब इस फार्मूला पर जो भी आपके पास डाटा आ रहा है उस डाटा को बैठाते जाइए। जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक, लंबाई दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर तो लंबाई की जगह पर रख दीजिए, चौड़ाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर चौड़ाई की जगह पर रख दीजिए, चौड़ाई यहाँ पर बैठा दीजिए, ऊंचाई यहाँ पर 16 बैठा दीजिए, ऐसे बैठा के आप कन्वर्ट कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिएगा, जो भी अब आपका आएगा फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर भी सेम है, और थर्ड नंबर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चाहिए था, क्या दिया हुआ हमारा थर्ड नंबर देखिए, तो थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पर लंबाई क्या बोल रखा है हमें, 2.8 डेसीमीटर, ठीक, चौड़ाई क्या बोल चुका है बाबू हमें, 1.5 डेसीमीटर, और ऊंचाई क्या बोल चुका है हमें, 0.9 सेंटीमीटर। अब आपका मर्जी, अब इसको एक इकाई में लेके जाना है, इन दोनों का या तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, हालांकि ज़्यादा सेंटीमीटर में चेंज करना बेटर होगा क्योंकि ये सब पॉइंट रिमूव हो जाएगा, और या तो आप दो ऑप्शन है, या तो इसको डेसीमीटर में लेके चल जाइए, लेकिन दोनों में से कोई एक को कर दीजिए, यानी तीनों का इकाई सेम कर दीजिए, फॉर्मूला पर बैठाइए, काम खत्म। ठीक है, बस हमें यही करना था, समझे, हाँ भैया समझ गए, ये सब तो भी हमने बना लिए थे, बहुत अच्छे। चलिए अब हो गया, अब यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका उदाहरण का सवाल दिया हुआ था प्रयोग 1 प्रयोग 2 पेज नंबर 68 में, वो तो आपसे जनरल बन गया होगा, जैसे आप ऊपर का एक दो सवाल देख रहे हैं वैसा सेम दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग का डीपीपी 2 भी बात हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बाबू डीपीपी 3 में अपना। ठीक है, डीपीपी 3 यानी पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें तो बेसिकली हम लोग का क्या होता है पार्श्वतल में, क्या होता है बस हम लोग ऊपर और नीचे का तल छोड़ देते हैं और बाकी आपका फॉर्मूला यहाँ से लग जाता है, इसके आगे बस 2 आ जाता है और कुछ फॉर्मूला चेंजेस होता है नहीं भैया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर ले डीपीपी 3 अपना। डीपीपी 3 में तो आपका एक नंबर सवाल भी बन गया होगा, 2 नंबर भी बन गया होगा और 3 नंबर ही बन गया होगा, क्योंकि आपके समग्र तल का क्षेत्रफल जैसा तीनों था वैसा ही सेम है। प्रॉब्लम देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को 4 नंबर में हुआ हो, कुछ बच्चों का कमेंट भी था इस पर कि सर 4 नंबर हमसे दिक्कत हो रहा है,
देखिए चार नंबर का हम लोग समझते हैं ठीक। सवाल हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप डीपीपी में सवाल नोट किए होंगे कहीं तो उस पेज को खोल कर देख लीजिए, और नहीं देखे हैं तो पहले डीपीपी में से सवाल उसको नोट कर लीजिए अपना पेज में, फिर हम लोग बात करते हैं। इस सवाल को देखिए बाबू हमें क्या बोला है, बोला है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है ठीक है। यानी लंबाई कितना है एक कमरे का बाबू 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर। 7 रुपये 50 पैसे के दर से, 7 रुपये 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से उस कमरे के दीवारों पर सफ़ेदी करने में कितना खर्च होगा, इस सवाल को पहले समझिए ठीक है। यहाँ देखिए वो बोला कि एक कमरा है ठीक, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है और बोला दीवारों को रंगने में या सफ़ेदी करने में। एक बात बताइए दीवार क्या होता है, चार ही दीवार होता है ना या छः होता है, छः नहीं होता है, वो एक छत होता है और एक फर्श होता है घर के खेस में ठीक है। हम लोग का दीवार कितना होता है, चार ही दीवार चार कमरों से। अब आप बताइए कि पेंट करना मतलब क्या बताए थे हम आपको, क्षेत्रफल निकालना। अब जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो केवल चार दीवारों का निकालिएगा तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू हमें 500 तल का क्षेत्रफल हो गया, बात समझ में आया। चलिए तो बस हमें यही करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू हाल में अपना क्या करेंगे, चार नंबर में लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया बाबू हमारे पास, कमरे की लंबाई इज इक्वल टू कितना बाबू हमारे पास, शायद 5 मीटर था, 5 मीटर ये ठीक। कमरे की चौड़ाई 4 मीटर, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर, ये है हमारे पास। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से तो एक बात लगा सकते हैं, कमरा हम लोग कैसा है बाबू, आयताकार है। वैसे जो भी कमरा देखते हैं ना 99% जो कमरे होते हैं वो आयताकार ही होते हैं। देखिए आपका आप जिस रूम में बैठे वो रूम कैसा है, आयताकार नहीं है हाँ, या मतलब उसी दिन देखे थे जब आप पहले बार पढ़ा रहे थे ठीक है। ये हो गया लंबाई कितना हुआ हमारे पास 5 मीटर ठीक है, चौड़ाई कितना है 4 मीटर ठीक, ऊंचाई कितना है 3 मीटर ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए हम लोग कमरा कैसा बाबू, चूंकि कमरा आयत घनाकार है, आयत घन की आकृति वाला है, आकृति वाला है। अब हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं बाबू, कोई भी आयत घन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब हमें बात क्या बोला है कि मतलब दीवारों को बोला है ना सब चारों दीवार, अब दीवारों को हम लोग कलर करना है। अब दीवारें क्या है, चार दीवारें, अब चार दीवारों को कलर करना मतलब 500 तल का क्षेत्रफल का आप पेंट कीजिए, मतलब 500 तल निकाल क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयत घन, या यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हैं कमरे के ठीक है, इन दोनों में कोई भी एक लिख लीजिएगा, कमरे का 500 तल का क्षेत्रफल, 500 तल क्षेत्रफल खोल लीजिए तो क्या होता होगा हमारा 2 इंटू नीचे और ऊपर वाला तल हट जाता है, लंबाई चौड़ाई वाला हट गया, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है ना हाँ, यही होता है वर्ग इकाई ठीक है। अब देखिए 2 इंटू लंबाई का मान कितना होगा यहाँ पे 5 है, ऊंचाई का मान कितना है 3 है ठीक है, प्लस चौड़ाई का मान कितना होगा हमारे पास 4 है और ऊंचाई का मान कितना है 3 है, क्लोज ब्रैकेट उनका वर्गीकरण ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 5 15 प्लस 4 3 12 ठीक है, 15 12 कितना हो गया बाबू 5 2 7 और 1 1 2 27 दूनी 54 यानी 54 मीटर वर्ग मीटर हम लोग का ये आ गया 500 तल का क्षेत्रफल। अब देखिए इस कोना का हम थोड़ा सा यूज कर लें आपके लिए, आपके लिए क्या भैया आप तो अपने बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, सीख तो आप ही लोग रहे हैं ना, सिखा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, क्या बोला बाबू कि हम लोग अभी यहाँ से देख लेंगे कि जो हम लोग का कमरा का दीवार है उसको रंगने के लिए हमें कितना चाहिए, 54 वर्ग मीटर चाहिए ठीक। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा फिर उसके बाद करते हैं सवाल पर, सोचिए कि इस मार्कर का दाम 5 रुपये है, इस मार्कर का प्राइस कितना बाबू 5 रुपीज़ है, यानी 5 रुपये आप लेके जाइएगा तो आपको एक मार्कर मिलने वाला है। तो अगर हम आपसे बोले कि बाबू जाइए मार्केट से 10 मार्कर लेके आइए तो आप क्या बोलिएगा,
भैया एक मार्कर का दाम 5 रुपये है, ठीक, तो हम लोग का एक मार्कर का दाम 5 रुपये आ रहा है, तो हमें कितना मार्कर चाहिए, 10 मार्कर चाहिए, मतलब कितना हो गया, 50 रुपये हमें प्राइस पड़ने वाला है, यानी आप 50 रुपये दीजिए तो हम आपको क्या लेकर दे देंगे, 10 मार्कर ला के दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहीं पर देखिए वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बाबू, चूँकि एक वर्ग मीटर को हमें खर्च, एक वर्ग मीटर में खर्च कितना आ रहा है वो हमारे पास बताइए, तो एक वर्ग मीटर में खर्च इक्वल कितना आ रहा है, 7 रुपये 50 पैसे, ठीक है। एक बात बताएं आपको, आप या तो 7.5 लिखें या 7.50 लिखें या 7.500 लिखें, 00 जितना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैसे देखिए, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारे पास, 7.5 = 7.50 = 7.50 सब इक्वल होता है, ठीक है, तो इसका कोई टेंशन मत लीजिए कि भाई आप 7.50 लिखे थे ये लिखा गया, कोई टेंशन नहीं उसका, देखिए आप दिखा देते हैं आपको क्या होगा, समझिए, इन दोनों का प्रूफ आया था, बाकी आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा, देखिए 7.5 है, इसका पॉइंट रूप कीजिए क्या आ जाएगा, 75/10, इस बात से आपको इनकार नहीं भैया, इस बात से इनकार नहीं, इसको देखिए 7.50 है, आपको पता पॉइंट रूप करते ही हम लोग का नीचे 1 आता है और उसका जितना डिजिट आता है सबको लिख देते हैं, ये आया तो क्या आया हमारे पास 7/50/100, 0 से 0 गया मतलब क्या आ गया 75/10, ठीक है। तो इसलिए आपके सामने अगर किताब में कभी लिखेगा 7.5 रुपीज़ मतलब भी उसका वही है, या ऐसे लिखेगा 7.50 रुपीज़ मतलब भी उसका वही है, अगर आंसर भी कभी आपका ऐसे आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए, चूंकि अब हम लोग का एक वर्ग मीटर में खर्चा उतना है तो हम लोग का कितना चाहिए, 54 चाहिए, तो इसलिए 54 वर्ग मीटर में खर्च इक्वल टू क्या होगा वो बताइए, तो खर्च इक्वल टू 54 × 7.5। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट रूम कर दीजिए क्या आ गया, पॉइंट रूम करते हैं 75/10 आ गया। अब देखिए हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 10 यानी 5 × 10, अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 और 2 और फिर इधर 5 आ गया यानी 5 यानी 15 आ गया, ऊपर में हमारा 15 आ गया, अब इसको काट देंगे 27 आ गया, अब 27 × 15 करने पे आपका जो भी आएगा उतना रुपया लिख के आंसर लिख दीजिएगा, ये आपका हो गया काम खत्म, ठीक है। देखिए कुछ था, चलिए अब 4 नंबर हम लोग का हो गया। अब देखिए अब 5 नंबर पर हल्का सा बात कर लें, फिर हम लोग का ये DPP हम लोग का क्लोज कर देंगे, ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नोट करना हो आपको तो पूरे पास के नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए हम पूरा नहीं मिटाएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या बोला था वो हमारा सवाल देखिएगा, लमसम क्या पूरा सेम ही था, बस इसमें एक लाइन मेंशन करके रखा था, कहाँ से कहाँ उलझ गए भाई, तो एक लाइन बस मेंशन करके रखा था कि दीवार और छत का, दीवारों और छत का। अब एक बात बताइए, किस कमरा वही है, दीवार चारों दीवारों को खर्च करने में इतना उतना रुपया लग रहा था जो भी रुपया आया था, यानी चारों दीवारों को पेंट कर लीजिए, अब आपको किसको पेंट करना है बाबू, छत को पेंट करना है, ठीक, तो अब एक बात बताइए, छत वाला, छत को पेंट करना मतलब छत का छतवा निकालना पड़ेगा, छत क्या होगा हमारे पास, आयत ही है, रूम का छत क्या होता है, आयत ही होता है, अब इस आयत का छतफल, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, छत वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, या आप इसको सीधा लिख सकते हैं छत का क्षेत्रफल, क्या होगा बाबू हमारे पास, छत वाला आयत कौन सा, सबसे ऊपर वाला, इसके लिए देखिए ऊपर वाला में क्या आता है हमारे पास, ऊपर वाला सबसे तल देखिए क्या आता है हमारे पास, लंबाई और चौड़ाई, यानी हमें छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करना होगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई वर्ग इकाई, दिख रहा है अगर आप लोगों को, कौन से को वेरीफाई कर लेंगे, वीडियो बना देंगे आपको दिखेगा नहीं तो फिर हमें, अच्छा क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबाई कितना है हमारे पास, 5 है, चौड़ाई कितना होगा हमारे पास, 4 है, वर्ग इकाई, ठीक, कितना आ गया, 5 × 20 वर्ग इकाई यानी मीटर वर्ग, अब कुल क्षेत्रफल लिख लीजिए यहाँ पे, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 + 20 = 74 वर्ग मीटर, ये हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि एक मीटर में खर्च वाला, एक मीटर में खर्च इक्वल टू 7.5 रुपीज़ या 7.50 रुपीज़ बोलिए बातें की है, इसलिए कुल खर्च, ये 5 नंबर था ना, कुल खर्च निकाल लीजिएगा आप, ठीक है, कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च इक्वल टू 74 × 7.5, अब इसको पॉइंट रिमूव करेगा 74 × 75/10, अब इसको काटिएगा, इसे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर आपका इसको काट दीजिएगा 2 आ जाएगा, तो कितना चल जाएगा आपका, 35 35 70 35 37
37 इंटू रुपीज आपका आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अपना डीपीपी थ्री को भी हम लोगों ने देख लिया। अब डीपीपी फोर जो था, हम लोग का डीपीपी फोर किस पे था भाऊ, आयतन पे था, ठीक है। अब आयतन में देखिए हम लोग क्या हो सकता है, वेयर इज आयतन, हाँ ठीक, मिटा इसको, नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा तो, ठीक है। देखिए फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ देखिए आपको क्लासरूम में कोई बोल सकता है कि तुमको ये नहीं आता वो नहीं आता, यहाँ पे तो आपको कोई जानता ही नहीं है, इवन हम नहीं जानते हैं आपको, तो कोई सोचिए ना दूसरा स्टूडेंट आपको क्या जानेगा, कोई नहीं जानेगा। यहाँ पे आप लोग हज़ारों की संख्या में पढ़ते हैं, कौन क्या पढ़ रहा है कहाँ का है पता भी हम लोग को भी नहीं पता है, ठीक है, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, बेझिझक बोलिए आराम से, क्योंकि देखिए जब तक बोलिएगा नहीं तब तक हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जो आप लोगों का प्रॉब्लम होगा उस पर हम लोग बात कर लिया करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का नया, तो आपको जो भी दिक्कत हो रहा है बोलिएगा, भैया हमको ये नहीं बना वो नहीं बना, हम लोग वो चीज़ सॉल्व करा देंगे, आपको वो चीज़ बता देंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना चार नंबर डीपीपी पे बात कर ले थोड़ा, ठीक। देखिए चार नंबर डीपीपी अगर हम बात करें तो पहला नंबर तो आपको सवाल ऐसे ही बन जाएगा, आयतन का आयतन क्या होता है हमारे पास, आयतन का आयतन, आयतन का अंदर क्या, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई, यही होता है ना। अब ये देखिए पहला नंबर सवाल, देखिए पहला नंबर सवाल में आपको लंबाई मिल चुका है, चौड़ाई मिल चुका है, ऊंचाई मिल चुका है, बैठा दीजिए काम खत्म। दूसरा नंबर सवाल देखिए सेम बन जाएगा, ये भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बैठा दीजिए। तीसरा नंबर सवाल भी ये देखिए, लेकिन यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे दो को इकाई डेसीमीटर में दिया है एक मिलीमीटर में, तो आप कोशिश कीजिएगा तीनों को डेसीमीटर में लेके चलाए अच्छा हो जाएगा, या तीनों को जिस किसी भी एक इकाई में लेके चलिए बन जाएगा, ठीक है काम खत्म। अब चार नंबर थोड़ा सा देखिए, आप लोग को चार नंबर में भी प्रॉब्लम हो ऐसा कम चांसेस है। चार नंबर देखिए क्या बोल रहा है हमें, चार नंबर अगर बताए तो पाँच नंबर भी हो जाएगा और छः नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। चार नंबर देख लीजिए, चार नंबर आपको सब हो जाएगा। एक समकोणीय बॉक्स का आयतन, यानी आयतघन का आयतन बोल सकते हम लोग, आयतघन का आयतन, आयतन इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर घन, मतलब क्यूब, आयतघन के आधार का क्षेत्रफल, आयतघन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया हुआ हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डाटा हमारे पास दिया गया है, ठीक। याद है आपको जब हम बता रहे थे तो हमने बोला था कि आयतघन का फॉर्मूला हम इसको चाहें तो दो तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या होता है हमारे पास, आधार वाला हमारे पास क्या होता है क्षेत्रफल, ही तो होता है, हम इसको चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों को एक साथ मार्च कर क्या लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, सोचिए ना नीचे वाला है ना हमारे पास इंटू ऊंचाई, ये बात हम लोग लिख सकते हैं, तो उसी को ये यूज करते हुए दिया गया सवाल। आप यहाँ पे लिखिएगा एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या एटीक्यू या प्रश्न अनुसार। अब क्या लिखिएगा, आयतघन का आयतन, आयतघन का आयतन इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल वाला लिखिए या लंबाई इंटू चौड़ाई बातें की है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब यहाँ आयतन आपको पता है कितना बाबू, 400 सेंटीमीटर, यूनिट इकाई यहाँ पर लिख दी इकाई अपने आपको पता है, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई हमें सीधा आ जाए, आधार का क्षेत्रफल कितना बाबू हमारे पास 40 इंटू ऊंचाई। अब आपको पता है ये इधर गुणा में है तो इधर जाके आ जाएगा बाबू भागा में हो जाएगा, यानी 400 बाई में 40 ऊंचाई, अब जीरो से जीरो गया चार दहा में 40, यानी ऊंचाई कितना आ गया बाबू हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये बस आपके पास इतना ही था, ठीक। अब इसी को आपको ऐसे दे देता, आधार का क्षेत्रफल ना लिख के आपको ये ऐसे लिख देता, लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, तो आप ये वाला लगा देते बस काम करते, जैसे पांच नंबर सवाल आप देखेंगे भी, पांच नंबर सवाल आपको मिलेगा भी, पांच नंबर नहीं छः नंबर सवाल, हाँ पांच नंबर तो ऐसा ही है, सिर्फ छः नंबर सवाल में आपको देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, लंबाई और आपको चौड़ाई दे दिया है, ठीक है,
तो लंबाई चौड़ाई इसको बैठा दीजिएगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई ऐसे भी सेम निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का ये डीपीपी हो गया, ठीक। अब देखिए, अब उदाहरण में जो 11 और 15 था वो जनरली बन जाएगा, 17 18 में प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। 11 नंबर आपसे बन जाएगा अगर मतलब आपको रेशियो अगर आता है तो, ठीक, और 15 नंबर में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। तो ये जो है, जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, जब किताब पे हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात कर लेंगे फिर वहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम लोग वहीं पे उस चीज़ को, किताब वाला मैटर को वहीं पे हम सुलझा लेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग का डीपीपी 4 भी अपना हो गया, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब यहाँ से आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ नहीं बचेगा, एक भी सम सब्स को वगैरह कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए, जैसे सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, सेकेंड चैप्टर में आपको एक एमसीक्यू भी बच रहा है, यह हमने तो देखा ही नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सेकंड चैप्टर का लिंक है, क्लिक कीजिए, उसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब अपना हम लोग बात कर ले डीपीपी 5 पे। डीपीपी 5 क्या होगा हमारे पास? आयत घन का बीकर, आयत घन के बीकर की लंबाई, आयत घन के बीकर की लंबाई, बिकड़ की लंबाई क्या होता बोलिए तो? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इकाई, यही होता है ना, ठीक। अब इसमें हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जब जाते हैं हम लोग, तो लंबाई देखिए, पहला सवाल देखिएगा तो क्या दिया हुआ, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो आप सीधा बैठाइए, बिकड़ के लंबाई निकाल लीजिए। दूसरा वाला भी सेम है, इकाई इसमें परिवर्तन करना है बस, आप इकाई को क्या कीजिएगा, जो 0.8 डेसीमीटर है उसको सेंटीमीटर लेके चलिएगा, काम खत्म, ठीक। और कितना लंबा डंटा रखा जा सकता है, मतलब डंटा रखिएगा तो क्या हो सकता है, ऐसे देखिए एक आयतघन में अगर हम लोग डंटा रखने की कोशिश करें, ये सवाल आते रहता है, ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स वाला जो सेक्शन रहता है ना, जो बताए थे आपको हम कि 12 तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, किसी कोई भी 10 करो उस वहाँ पे तो फेंक सकता है इसको, ठीक है। देखिए क्या करेगा, आपसे पूछ रहा कि आयतघन में कितना लंबा डंटा रखा जा सकता है, तो आप अगर इधर से रखेंगे तो इतना बड़ा ही आएगा, यानी जितना उसका लंबाई होगा, इधर रखेंगे चौड़ाई होगा, इधर रखेंगे ऊंचाई होगा, अगर हम इसको रखें तो ये देखिए सबसे ज़्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए तीनों का योग है, सीधा बात समझिए, तो यानी जब भी पूछेगा एक आयतघन में कितना लंबा डंटा रखा जा सकता है, तो आप क्या निकालिएगा, उसका बिकल निकाल दीजिएगा, बात समझ में आया, तो ये हो जाएगा, ठीक। आप देखिए, जो प्रयोग आप 8 लीजिएगा उदाहरण किताब का, तो 8 नंबर तो आपसे आसानी से बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको हो सकता है 9 नंबर में, ठीक। इसमें देखिए प्रॉब्लम आपको क्या हो सकता है, सवाल हम थोड़ा सा किताब से देख ले, उसका डिस्कस हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही सवाल फंस रहा है ना, तो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, और ज़्यादा कुछ उसमें है भी नहीं, ठीक। इसको फिर हम एक बार और डिस्कस करें, टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो 9 नंबर सवाल हम किताब वाला थोड़ा सा एग्जांपल देख लें, जो पेज नंबर हमारा कितना हुआ, 70 है शायद, हाँ 70। देखिए क्या बोला हमारे पास, किसी आयताकार घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ABC है। आप किताब खोल के देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास तो किताब ही नहीं है, कोई नहीं, हम आपको उधर कहीं कोना में या नीचे ही लगा देंगे, ठीक, इसी का फोटो खींच के, ठीक है। आयत घनाकार बॉक्स घर की लंबाई, लंबाई दिया गया, लिख दीजिए पहले, दिया गया है कि आयत घन की लंबाई ना, आयत घन की लंबाई कितना हुआ हमारे पास, ए इकाई दे दिया तो कोई भी इकाई आप ले सकते हैं, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, बी ऊंचाई कितना दिया हुआ हमारे पास, सी, और कोई डाटा दे रखा है, हाँ इसने एक और बात बोला है, ABC इज इक्वल टू 25, और एक और क्या बोल चुका है बाबू हमारे पास, AB प्लस हमारे पास BC प्लस क्या हुआ हमारे पास, CA इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 240.5। ये डाटा हमारे पास किताब 9 नंबर सवाल में आपको दे रखा है, ठीक। अब हमें क्या निकालना बाबू, बिकर की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें क्या, नहीं हम लोग इधर देखें, आयत घन के बिकर की लंबाई, बिकड़ की लंबाई क्या होगा वो हमारे पास बोलिए तो, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस
ऊंचाई का वर्ग, ठीक, और ये भी किस में आ जाता है, इकाई में आ जाता है। अब यहाँ देखिए आप लंबाई क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई क्या होगा हमारे पास बी है तो बैठा दीजिए, प्लस ऊंचाई क्या होगा हमारे पास सी है तो बैठा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का ओवरऑल अंदर में क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आके यहाँ पर फंसेगा आप, यहाँ तक आप कर लिए होंगे। अब आपको चाहिए इसको अगर तोड़ना है तो आपको ये फार्मूला चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ठीक। अब भैया हम लोग का फार्मूला रखना पड़ेगा, नहीं देखिए इस फार्मूला को हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग का टारगेट यही है कि मैथ में हम लोग कोई फार्मूला नहीं रखते 10th क्लास में अपना, और पूरा मैथ का चैप्टर कंप्लीट कर दें, ठीक। चलिए हम लोग को क्या फार्मूला चाहिए बाबू, हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, समझ में आया। तो अभी इस फार्मूला को हम लोग निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर टाइम दीजिए, ज़्यादा हम अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे फार्मूला आप ऐसे डेरिवेट कर पाइएगा, ठीक। देखिए आपको पता है कि a इंटू ए क्या होता है, वो हमारे पास ए स्क्वायर होता है, हाँ भैया ये बात तो पता है हमें, ठीक है। वैसे हम लोग अगर a प्लस ए इंटू ए प्लस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ये हो रहा था, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों का गुणा कैसे करते हैं हम लोग, इन दोनों का गुणा कैसे करते हैं, ये गुणा करना देख लीजिए, अगर आता है आपको बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो देख लीजिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना इसको तोड़ देते हैं, तोड़ के क्या करते हैं पहला एलिमेंट उठाते हैं, और पहला एलिमेंट उठाने के बाद से इसको होल द लेते हैं, क्या वो हमारे पास ए प्लस बी, पहला ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट उठाने के बाद से दूसरा ब्रैकेट को ऐसे ही हूबहू उतार देंगे। फिर हम लोग अगर साइन क्या बाबू यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और ये वाला लिख देंगे, और फिर वैसे ही रिपीट कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये देखिए इसमें गुणा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए बी, प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम लोग का बी ए, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया ए बी और ए बी, ये दोनों तो बात एक ही है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए बोलिए, बात क्या है एक ही है, तो हम लोग क्या हो गया ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए आप लोग फार्मूला याद करते थे ना, देखिए क्या है आ गया, तो ठीक, यानी हम लोग समझे कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमें ए बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल रहा है, वैसे हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग होल स्क्वायर निकालेंगे तब जाकर मिलेगा। तो अब इसका होल स्क्वायर निकाल दें हम लोग, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा तो मुझे पॉज करके, ठीक है भैया आप तो मिटा दीजिए, थोड़ा सा पीछे चल जाइए, ठीक। चलिए हम लोग अब देख लें, अब हमें क्या चाहिए बाबू, अब इसको अगर हमें निकालना तो क्या करना पड़ेगा, देखिए दो बार है मतलब दो बार स्क्वायर है मतलब दो बार लिख दीजिए, सीधा बार लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में, गुणा करना मतलब पहला ब्रैकेट को हमें तोड़ना है, पहला ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट उठाइए और पूरा को लिख दीजिए, फिर यहाँ पे साइन किसका होगा प्लस का, फिर सेकेंड ब्रैकेट को पूरा लिख दीजिए, फिर यहाँ साइन देखिए प्लस का, और थर्ड ब्रैकेट को पूरा लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बाबू हमारे पास ए स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इंटू ए, क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर होता है ना। अब ए बी का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाबू ए बी प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी, ठीक। ये हमारे पास पहला आ गया, इसको छोटा ब्रैकेट में रखते हैं, ज़्यादा बड़ा ब्रैकेट लगकर यूज करके कोई फायदा नहीं। प्लस अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा बी ए प्लस क्या हो जाएगा बाबू हमारे पास बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस बी सी आ गया हमारे पास प्लस। ओ यहाँ पे तो भैया आप सी लिखे ही नहीं, सी छूट गया था ना यहाँ पे। सी क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी प्लस क्या हो जाएगा वो हमारे पास बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको अरेंज कीजिए, स्क्वायर वाला का सब एक जगह रखिए और बाकी सबको एक जगह रखिए। अब स्क्वायर वाला रखते तो ए स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा हमारे पास बाबू, नहीं भैया ऐसा मत कीजिए कन्फ्यूज हो जाएगा हम लोग, देखिए आराम से ए बी और ए बी दोनों है, यहाँ देखिए बी सी और बी सी है, यहाँ देखिए ए सी और ए सी है, इन दोनों को एक साथ हम लोग सब को रख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर और यहाँ सब प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, आगे पीछे कर लीजिए, देखिए ना ऐसा क्या बोल सकते हैं, कहाँ जाए ऐसा अगर कोई चीज़ हो इसका मान जो आएगा वही मान इसका भी आएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा इससे ऑर्डर चेंज कर देने से, तो कोई फर्क नहीं एडिशन में ऑर्डर चेंज कर देने, देखिए ना क्या होगा तीन दो पाँच पाँच चार नौ तीन दो पाँच पाँच चार नौ, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एडिशन जो होता है हम लोग का, जो हम लोग ऐड जब कर रहे होते हैं यानी कोई भी संख्या का जो हम लोग जोड़ रहे थे ना,
तो वो एक गुड़ फॉलो करता है जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का, मतलब जो भी आप इसमें लिख रहे हैं उसका ऑर्डर आप आगे पीछे कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या हो गया ए स्क्वायर, अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस ए बी दो बार है ना, प्लस बी सी प्लस बी सी, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई प्लस ए सी प्लस ए सी, हम लोग ये सब तो लिखते जाएंगे, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये सब तो सेम है, इसमें कोई आपत्ति नहीं आपको। अब यहाँ इन दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों में से कॉमन क्या जाएगा दो जाएगा, तो दो को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है आ गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओवरऑल तो हम लोग निकालना इसीलिए शुरू किया था ना, तो हम लोग इसको इधर रखेंगे बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में, मतलब हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला आ गया, तो अब आप सोचिए इतना लंबा फार्मूला याद करते कैसा लगता है आपको, भैया हम करते ही नहीं छोड़ देते, ठीक है ऐसा जुर्म ना कीजिएगा। देखिए फार्मूला आ गया ना, ऐसे ही आप लगभग हर फार्मूला डेरिवेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ हम इस सब फार्मूला का डेरिवेशन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको फार्मूला जितना भी ये सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर जितना फार्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यू जितना ए क्यू प्लस बी क्यू जितना फार्मूला आता है, अगर आपको लगता है कि ये सब दिक्कत आपको हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि ये सब फार्मूला को कैसे डील आउट करना है, यानी कैसे हम लोग को सब फार्मूला को डेरिवेट करना है बिना याद किए हमें कैसे काम चलेगा। तो ऐसे आ गया हम लोग का, ठीक, तो आप जब भी जरूरत पड़ेगा निकाल लीजिएगा आपको, ठीक है आप जब खुद से निकालेगा ना तो लेकिन इतना हम लंबा मैप जाना भी नहीं होगा, शॉर्ट में आप एक दो बार इसमें निकाल लीजिएगा। चलिए तो ये फार्मूला देख लीजिए आप और इसको आप खुद से एक दो बार वीडियो पॉज करके डेरिवेट कर लीजिए कैसे आया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े इस सवाल पे, यही तो भुला भी गया लोग कहाँ पे क्या हुआ था। जनरल देखिए हम लोग क्या लंबाई दिया हुआ था ये, चौड़ाई दिया हुआ था बी और ऊंचाई दिया हुआ था सी, और ये दोनों मान देकर रखा है, इसका भी हम लोग लास्ट में यूज करने वाले हैं। तो हम लोग को पता है आयतन के विकर्ण की लंबाई, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है हमारे पास, तो हमने वही लंबाई का बैठा है ए, चौड़ाई का बैठा है बी और ऊंचाई का बैठा है सी, और हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी आया, तो यहाँ पर हम लोग रुके थे तो हम लोगों ने उसका फार्मूला डेरिवेट कर दिया। अब हम लोग इसके आगे बनाते हैं, इसको मिटा दें, हाँ भैया मिटा दीजिए, ये सब तो हम लोग करेंगे क्या, डेरिवेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में हो सकता है फार्मूला भूल सकते हैं, लेकिन आपको अगर डेरिवेशन आता रहेगा यानी कैसे फार्मूला आ रहा है तो आप सोचिए ना कि जब भी आप किसी फार्मूला में आपको लगे कि हम भूल रहे हैं तो पट से कोना में थोड़ा डेरिवेट कर लीजिए, अरे हल्का सा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही तो बनेगा, इसका गारंटी तो हो जाएगा आपके पास। चलिए तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं आयत घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है हमारे पास देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फार्मूला यह होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही देता है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए खुद देकर रखा है, ये जानबूझ के आपको ऐसा सवाल ही ये डाटा ही दिया है कि आपको वहां पे जाने के बाद सब बन जाइएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान हम यहां बैठा सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर माइनस टू इंटू देखिए उसका भी मान देकर रखा है इसने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है क्या, इसका मान कितना देख रखा है हमारे पास 240.5, ठीक है। अब आप इसका 625 का स्क्वायर कर दिए 625 आएगा वगैरह, वैसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग का हो गया, समझ में आया। तो यानी देखिए मैथ आपको यहाँ तक समझ में आया कि मैथ का जो भी सवाल दे रहा है ना आपको वो लगभग सब आंसर आंसर उसी के आसपास मिल जाए, बस फार्मूला अप्लाई कीजिए और एक सीक्वेंस में चलिए आराम से सोच सोच के बन जाएगा, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेना नहीं है, आराम से धीरे धीरे करते जाइए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग का यहाँ पे आयत घन का अपना सब मैटर खत्म हो गया, ये भाई कितना उलझ रहा है आज तो, ठीक है। आयत घन का सब मैटर खत्म हो गया हम लोग का, अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग आयत घन समझेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो लेंगे थोड़ा सा 20-25 मिनट का, और जिसमें हम लोग घन का जितना भी फार्मूला होता है सब फार्मूला को निकाल निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग घन पे कुछ सवाल देख के फिर अपना हम लोग चैप्टर पे इंटर करेंगे, यानी चैप्टर में जितना भी सवाल वाला है वो सब हम लोग देखना शुरू करेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।